हाय गाइस, मैं सुहानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, विंटर जो है चला गया है और समर दस्तक दे चुका है, तो गर्मियों के लिए हमारा स्किन केयर बॉडी केयर प्रोडक्ट जो है थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैंने क्या क्या बाय किया है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो चाहिए हमें इस समर रिफ्रेश रहने के लिए, हमारे बॉडी को रिफ्रेश रखने के लिए, ये मैंने बाय किया है। ये है पैरासूट का बॉडी लोशन और ये है एलोवेरा। ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट एंड स्मूथ रखता है। तो ये है पैरासूट का बॉडी लोशन और ये है मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट। और ये इतना ज़्यादा लाइट वेट है ना कि आपको इस समर में ये वाले जो है लोशन तो यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, चिपचिपा सा नहीं होता है और ये आपकी बॉडी को फुल डे हाइड्रेट रखता है। दूसरा जो मैंने बॉडी लोशन लिया है, क्योंकि एक बॉडी लोशन से काम होता नहीं है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो ये मैंने पैराशूट का ये कोकोनट मॉइस्चराइजर, ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट रखता है, मॉइस्चराइजर भी बनाए रखता है और ये बहुत बढ़िया लोशन है। लास्ट ईयर भी मैं यही यूज़ करती थी और इस साल भी मैंने यही यूज़ किया है। तो दोनों जो है पैराशूट का है, बट मैंने अलग अलग लिया है, तो ये बहुत बढ़िया है। और इसको मैं नाइट टाइम में लगाती हूँ और इसको मैं डे टाइम में लगाती हूँ, तो ये बहुत बढ़िया एक मॉइस्चराइजर है जो समर के लिए बहुत ही सही है। दूसरा जो ज़रूरी चीज़ है वो ही ये निविया का वाइटनिंग क्रीम है और ये समर के लिए तो बहुत सही है, क्योंकि हाथ उठाना पड़ता है और अंडर आर्म्स काले होंगे तो कैसे होगा। तो ये मैंने लिया है, रोल ऑन है और ये बहुत सही प्रोडक्ट है। ये आपके अंडर आर्म्स को वाइटनिंग करता है। अगर आपका अंडर आर्म बहुत ज़्यादा डार्क है तो आपको इसको ट्राई ज़रूर करना चाहिए, बहुत सही है आपके अंडर आर्म वाइटनिंग के लिए। जो बेहद ज़रूरी है, बेहद मतलब क्या बोले, सनस्क्रीन। अगर आप धूप में निकलते हो, एक कड़कती धूप में स्किन को बचाना है तो ये आप सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो। और ये लास्ट शीट का सनस्क्रीन है और इसमें है SPF 15 और इसमें है SPF 50+++, PA++ है, जो कि आपके स्किन को यूवी रेस से जो बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करता है और ये बिल्कुल चिपचिपानी होता है, एकदम मैट फिनिश है। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो डेफिनेटली एक ट्राई बनता है। ऑयली स्किन वालों के लिए एकदम परफेक्ट है, मतलब और सारे स्किन वाले तो लगा सकते हैं। मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को भी देखा है कि वो अपने स्किन के अकॉर्डिंग इसको चुनना ज़्यादा प्रिफर करते हैं, मतलब इसको ज़्यादा लेते हैं। मैंने बहुत लोगों के वीडियो में देखा है कि वो ये वाले सनस्क्रीन लगाते, इसमें का बहुत सारे वैरायटी आता है, बट ये वाला बहुत सही है और इसका प्राइस के हिसाब से ये काफ़ी दिन चलता है, 3 महीना तो आराम से चल जाता है, 2 महीना। और दूसरा जो सनस्क्रीन है वो है SPF 15, मैंने ये वाला सनस्क्रीन लिया है और ये मिनिमलिस्टिक का, वो लास्ट शीट का था और ये है मिनिमलिस्टिक का, और ये भी SPF 50+++, PA++ है और ये आपके किसी भी, और इसमें विटामिन B5, विटामिन F, पता नहीं क्या क्या कौन सा विटामिन डाला हुआ है। ये आपके स्किन को बहुत बढ़िया से प्रोटेक्ट करता है सन से और वाइट कास्ट भी नहीं छोड़ता है, तो ये दोनों सनस्क्रीन बहुत बढ़िया है। और तीसरा जो प्रोडक्ट है वो ये मैंने लिया है, गार्नियर का माइसलर वाटर। स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, रात को अगर कभी मन नहीं करता है कि मैं फेस वॉश ना करूँ तो मैं इससे रिमूव कर लेती हूँ, और ये कॉटन पैड भी मैंने लिया है, तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है मेरे लिए, तो बहुत ज़रूरी होता है, जो कि अमेजोन से आपको ईजिली मिल जाते हैं। इसमें जो है 2 पैकेट आता है, 1 पैकेट मैंने यूज़ करने के लिए निकाल दिया और ये एक मैंने रखा हुआ है, तो ये बहुत सही प्रोडक्ट है। मार्केट में खोजते रहो इधर उधर, इस दुकान उस दुकान, नहीं मिलता है, तो मैं अमेजोन से प्रिफर करती हूँ, ऑर्डर कर देती हूँ ख़त्म होने से पहले पहले। तो इसमें 200 रहता है और आपको कुछ 175 पड़ता है 2 पैकेट का। अगर मार्केट में लेने जाओ तो ज़्यादा मिलते हैं और मिलते भी नहीं है ढंग से लोकल मार्केट में। और ये गार्नियर माइसलर वाटर, जब मुझे फेस वॉश करने का मन नहीं करता है तो आपको सोने से पहले इससे जो है अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी मेरा प्रोडक्ट है। और समर के लिए तो सारे प्रोडक्ट है, बट ये सारे चीज़ बहुत ज़रूरी है। और लास्ट जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो ये वाला डॉटन की स्किन केयर विटामिन सी सुपर ब्राइटनिंग मॉइस्चराइजर है। डॉटन की का प्रोडक्ट बहुत सही आता है और ये बहुत ही अच्छा एक मॉइस्चराइजर है।
ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, आपके स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है। और ये इसमें विटामिन सी प्रोडक्ट आता है, जितने भी डॉट इन की का प्रोडक्ट होता है वो खासकर विटामिन सी वाले प्रोडक्ट होते हैं जो ब्राइटन अप करते हैं आपके स्किन के। तो मेरे स्किन में काफ़ी एक्ने स्पॉट है, तो मैं विटामिन सी वाले प्रोडक्ट जो है काफ़ी प्रिफर करती हूँ, तो ये मैंने लिया है। जितना भी प्रोडक्ट जो है मैंने अमेजोन से बाई किए हुए हैं, क्योंकि घर बैठे आप इसको इजीली ऐसे स्क्रॉल डाउन कर करके अमेजोन से जो है घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो, और जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट से लेने जाते हो ना वो इजीली मिलते ही नहीं है, ढूंढते रहो इस दुकान से उस दुकान तक। तो मैं अमेजोन का ज़्यादा प्रेफर करती हूँ और आपको बहुत सारे जो है डिस्काउंट भी मिल जाते हैं, तो आप भी अमेजोन से शॉपिंग कर सकते हैं। मैं जितने भी प्रोडक्ट ली हूँ ना बहुत सही प्रोडक्ट है, अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पर लिंक जो है नीचे प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके ये सारे प्रोडक्ट अपने भी प्रोडक्ट जो है जो भी आपको लेना है वो बाई कर सकते हो। तो ये था मेरा समर अप्रोप्रिएट कुछ प्रोडक्ट जो मैंने समर के लिए मतलब बाई किए हुए। देखो हम कुछ ले या ना ले, लेकिन सनस्क्रीन और बॉडी लोशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो ऑर्डर करना ना भूलना और मेरे वीडियो को भी लाइक करना ना भूलना। तो मिलती हूँ मैं बहुत जल्दी एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।